नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि दरभंगा की मुख्य समस्या और खार बरसात और फिर इस तपस्य भरी गर्मी में लोगों की आवाज़ उठने लगी है। वार्ड 42 संपोजी, जहां पूर्व पार्षद अशोक कुमार की पत्नी अभी पार्षद है और अशोक कुमार का जो क्षेत्र है वो बेलवागंज से लेकर के जीएनगंज और बंगाली टोला बलभद्रपुर के कुछ इलाके हैं, जहाँ पर जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान हैं। सबसे बड़े सवाल यह है कि कई लोगों के घरों में पानी नहीं आने से आक्रोशित लोगों ने अशोक कुमार पर ही आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार ने बेहतर काज नहीं किया, चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच आकर समस्या को देखना चाहिए, वो नहीं देखा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अशोक कुमार जैसा पार्षद होना चाहिए ताकि उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं और समस्या के लिए वो खड़े भी रहते हैं। हालांकि अशोक कुमार ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए, वोटरों के लिए नगर निगम से लड़ाई कर कई जगह नाले का निर्माण कराए और सड़क का निर्माण कराया। यही नहीं, घर घर जल का नल पहुंचाने के लिए उन्होंने कार्य भी किया, कई लोगों को शौचालय भी दिलवाए। लेकिन जनता कह रही है कि पार्षद को और एक्टिव होना चाहिए। पार्षद चुनाव आ रहे हैं लेकिन पार्षद गंभीर नहीं है, क्षेत्र की जनता से समस्या के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे जनता में धीरे धीरे आक्रोश व्याप्त है। देखिए एक रिपोर्ट वार्ड 42 से। गर्मी में पंखा नहीं चल पाता है भैया, कहाँ मिला हम लोग को? इधर मिला, इधर का आदमी सब इस्तेमाल करता, हम लोग को तब तो मिला ही नहीं कुछ। नल जल वाला लाइन रहता है, वोल्टेज नहीं रह पाता, ये ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पर मतलब हम लोग का बस पानी का समस्या, नाला का भी समस्या, हम लोग का नाला ही नहीं है। हम लोग का नाला का प्रॉब्लम, हम लोग का 42 हम लोग का एरिया में पानी वाला नहीं पहुँचा है और ना निकासी का प्रॉब्लम, मतलब पानी जाने का भी नहीं, आने का भी नहीं, दिक्कत हम लोग। दोनों चीज़ तो मिल रहा है भाई, चावल गेहूँ सब चीज़ का मिल ही रहा है भाई, के टाइम पर नहीं दे रहा, दूसरा महीना है नहीं दे रहा। हाँ, पीने का पानी नहीं है हम लोग के मोहल्ला में, है भी नहीं है। कल टंकी का सप्लाई पानी उनी कुछ नहीं है हम लोग को दिए हुआ है। लाते हैं हमारे मंदिर के पास जो है जसवार के यहाँ पर, वहाँ से पानी रात में 10 बजे उठ के लाते हैं, रात में पीने का भी पानी का सुविधा नहीं है मोहल्ला में। पीने का पानी है ये नहीं है, नहीं है। चौराह पर से लाते हैं रात में, उठ पीला है राशन को कुछ कम। अभी दूसरा महीना हो जाए तो महीनों पानी का बहुत दिक्कत है, खाना पीना का तो छोड़िए, जैसे मुसीबत से काटते हैं अपना काटते रहेंगे तब ना खाएंगे। ऐसा हो कि बस देख रेख करे मोहल्ला का, पानी दे दे सप्लाई वाला पानी दे दे कि पानी लगे। समर से बोल का पानी पिया जाता है, बोलिए तो राशन में देता है 3 आदमी का राशन, मैं राशन में देगा आधार कार्ड के वजह से कुछ नहीं दे रहा है, तुम क्यों दे रहा है? टाइम पर राशन नहीं देता है, 2 महीना 3 महीना पर राशन देता है, 2 महीना 3 महीने पर राशन का 7 आदमी की जगह पर आधार न जमा करो तो 3 आदमी का आधार अच्छा होना चाहिए। जब मेरा घर एकदम नाला साफ रहेगा, एक पानी पीने के लिए भी, पानी पीने के लिए और कुछ के लिए ना, हमें पानी का चाहिए। अशोक पार्षद, हमारे मोहल्ला में पानी का बहुत किल्लत है और हम लोग फोन करते करते दवा हो जाते हैं लेकिन फिर भी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है और लाइन भी कटता है तो 2-2 घंटा 3-3 बार कट जाता है और समाज में जो भी है नाला भी है, पानी का बड़ी किल्लत हो रहा है हम लोग को। 36 का इधर 42 है, ये वार्ड पार्षद का मकान है, ये 42 का है अशोक प्रसाद, और इधर है आपको 36 वार्ड का है पीखान, 36 वार्ड का वार्ड कमिश्नर बॉबी खान है हम लोग का, 36 वार्ड का। इधर 42 वार्ड है तो आपको अशोक प्रसाद उनकी पत्नी है। इस वार्ड में समस्या तो सबसे पहले तो बोल के बाद दारू यहाँ बिकता है, गांजा बिकता है ऑफ है, और समस्या 42 नंबर वार्ड समस्या यही है कि हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग कुछ दाना पानी भी नहीं मिल रहा है। कार्ड बनाने के लिए 3-4 बार भी है, उसको बदलना ही चाहिए, उसको बदलना ही चाहिए। काम तो ठीक कर रहा है लेकिन हम लोग को बहुत दिक्कत कर रहा है, हो रहा है। और नियर होना चाहिए जो हम लोग को, मतलब नहीं होना चाहिए कि बेचारा अपना आके देखभाल करे, हम लोग को सुरक्षित करे, हम खाली का होना चाहिए।